कि आटा 150 रुपये किलो पे पहुंच गया है, गरीब आदमी दो वक्त की अपनी रोटी लेने के जो है वो काबिल नहीं है। और आज जो IMF की मौजूदा सूरत हाल है, जिनके आगे ये कशकोल लेके खड़े हुए हैं, इनको बिजली की कीमतें भी बढ़ानी है, इनको पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ानी है और इनको गैस की कीमतें भी बढ़ानी है, जो कि वो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है जो पाकिस्तान का आम आदमी, गरीब आदमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और इस वक्त पहले ही महंगाई जो है वो 30% से ऊपर पहुंच चुकी है। इसके ज़िम्मेदार वो शख्स है जो आजकल दुबई के अंदर आपको चौकों चौराहों के अंदर सड़क पार करने के लिए सिग्नल के ऊपर खड़े हुए नज़र आते हैं। वो कोई नहीं है और नहीं है, वो जनरल रिटायर्ड बाजवा है जो इसका ज़िम्मेदार है, जिसने ये बताया गया था कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 6.5% ग्रोथ थी, बरामदाद ऊपर जा रही थी, $32 अरब पे पहुंच गई थी, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा था, तेज़ी से नई सनतें लग रही थी, 55 लाख नौकरियाँ इमरान खान ने कोरोना के बावजूद नहीं पैदा की थी, लेकिन उनको ये बताया गया था कि ये मुल्क किसी किस्म का जो हकूमत तब्दीली का, रजीम चेंज का जो मामला है, उसको पाकिस्तान की मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, लेकिन उन्होंने किया। और उसके नतीजे में आज जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, और चोरों का जो टोला है, जो लूट मेयार का मेला लगा हुआ है, वो मोजे कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। और उसी के साथ साथ जो गलती उन्होंने की, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने, उस गलती को ठीक साबित करने के लिए 25 मई को हमारे कारकुनान के ऊपर तशद्दुद करवाया गया, बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर आंसू गैस फेंकी जा रही है, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, शबाज़ गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया, आज़म स्वाती के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको पकड़ के जेल में डाला गया, 75 साल सेनेटर को, बुज़ुर्ग को, 45 के करीब उनके ऊपर FIRें दर्ज कर देते हैं, उनकी अजवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक वीडियो बना के उनके घर वालों को भेज दी जाती है, अरशद शरीफ को जो है वो शहीद कर दिया जाता है, सहाफ़ियों के ऊपर FIRें शुरू हो जाती हैं, सहाफ़ियों के ऊपर गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं, सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है। और इससे बढ़ के पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर, 22 करोड़ अवाम की जान, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो जाता है, और उसके साथ साथ कवर अप शुरू कर दिया जाता है, पुलिस कस्टडी में वीडियोस बनवाई जाती हैं, DPO को हदायत दे के CCTV के अंदर वीडियोस बनवाई जाती हैं, उसके बाद उसको कवर अप शुरू कर दिया जाता है, JIT के जो मेम्बरान हैं उनको अप्रोचेज शुरू कर दी जाती हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने देखी हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कानून की हाकमियत की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जो जुल्म हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है, बड़ा दिल दिखाया है, एक स्टेट्समैन होने का सबूत दिया है। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन होना चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर, जो मैंने आपको बताया, जो जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई, इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, हमारी पार्टी के अराकीन के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के साथ हुआ, और अरशद शरीफ की मामला, इस सब से बढ़ के उनको शहीद कर दिया गया, उनकी वालदा ने नाम भी लिए हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं उनके नाम भी उन्होंने ले दिए हैं। तो मैं ये आज हम ये मुतालबा सामने रख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन होनी चाहिए। जो हकायक हैं ये हकायक हैं, और हमें पता है उन हकायक को, उन गलतियों को तस्लीम करना चाहिए और रिकन्सिलेशन करके मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और अब और कोई रास्ता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर फिल फॉर नए इंतखाबात होने चाहिए, पंजाब असम्बली,
तहलील हो गई, कल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील करने के लिए असम्बली भेज दी जाएगी, दो दिन में वो असम्बली भी तहलील हो जाएगी। और इसी के साथ साथ कल हमने अपनी पार्टी का अहम मशावरती इजलास भी बुलाया है, जिसमें कौमी असम्बली के मुतल्लिक भी जो लाहे अमल है वो तय किया जाएगा। और इस टाइम इस सारी सूरत हाल के अंदर नून लीग के अरकान असम्बली इस कारकर्दगी के साथ नून लीग के अंदर रहना नहीं चाहते, और बहुत सारे ऐसे इनके अरकान असम्बली हैं जो हमारे साथ रबते कर रहे हैं। और अब हमारे लिए ये मुश्किल हो चुकी है कि उनकी हमने एडजस्टमेंट्स उनकी कैसे करें, कईयों को हमें माजरत करना पड़ी है, जहां पर हमारे अपने लोग मौजूद हैं कईयों से हमें माजरत करनी पड़ रही है, हम उनको अपनी पार्टी में नहीं ले सकते। लेकिन उसके अलावा भी ऐसे लोग हैं कि वो जो नंबर्स हमारे साथ जो हैं वो आ जाते हैं तो ये वफाक की हुकूमत भी फारिग हो जाती है। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अदम इस्तेहकाम है इसके खात्मे का जो वाहिद रास्ता है वो वाहिद रास्ता इस वक्त आम इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शन है। पाकिस्तान का सोचें, अपने ज़ाती मफाद को पीछे करें, ज़ाती ज़िद को पीछे करें, ज़ाती अना को पीछे करें, और ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन के ऊपर अमल करते हुए पाकिस्तान को आगे लेके चलें। ये इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि दिल किया है, और एक पाकिस्तान के एक बड़े स्टेट्समैन लीडर होने का उन्होंने जो है वो सबूत दिया है, क्योंकि इमरान खान के नज़दीक पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान का मुफाद है, पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की मजबूती है, और पाकिस्तान की आवाम का मुफाद है, जिस वजह से हमने ये आज मुतालबा जो है वो आपके सामने रखा है। जी मुसल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपने भाई फरूख हबीब की बात को आगे बढ़ाऊँगी कि ये होता है लीडर जो ज़ाती अना और रंज को लेके, या ज़ाती जो एक होता है बदले की आग को लेके नहीं, पाकिस्तान की खातिर, इस गरीब आवाम की खातिर, और वो गरीब आवाम ये लीडर डिज़र्व करती है। वो पाकिस्तान के इस लीडर के साथ, पाकिस्तान के इस बेटे के साथ ये आवाम शाना बशाना खड़ी है, और आवाम उनकी दुख दर्द और तकलीफ़ों को समझती है कि उनके ऊपर ये गोलियाँ तो चलाई गई, लेकिन इन गोलियों के साथ और बहुत बड़े बड़े गोलियां, बारूद, और मैं कहती हूं कि तोपें उनके किरदार के ऊपर, उनकी फैमिली को निशाना बनाया जाता है और उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है, और ये सिलसिला काफ़ी उस वक्त से जारी है जब से वो सियासत में आए। ये होता है लीडर के जो अपनी ज़ात से आगे बढ़ के सोचता है आवाम का। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये बात की है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, क्योंकि ये कुछ लोग बेवकूफ़ी में और कुछ लोग बेपरवाही में, जिनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया है। और वो जो इस सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार है, वो आज जिसने मेरे मुल्क के आयन और कानून को रोंदा, अपने पाँव तले रोंदा, और आज वो क्या कर रहा है, बाहर के किसी मुल्क में ट्रैफिक के सिग्नल के ऊपर खड़े होकर सिग्नल के खुलने का इंतज़ार कर रहा है। जिनकी औकात बाहर जाके एक सिग्नल तोड़ने की नहीं है, वो हमारी ज़िंदगियों के साथ किस किस तरह से खेलते हैं। आप याद करें आज़म सवाती का वो चीखना चिल्लाना, वो सिसकियां लेती हुई तस्वीरें, जो मेरा भाई अरशद शरीफ शहीद हो गया, उनकी फैमिली की, उनकी वालदा की, वो हमारे डॉक्टर शहबाज़ गिल के ऊपर टॉर्चर, और इसकी हमारे साफ़ी भाइयों के ऊपर टॉर्चर, और अभी भी शाहिद असलम के साथ जो हो रहा है, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। लेकिन मैं पाकिस्तानी आवाम को आगाह करना चाहती हूँ कि जहाँ ये बहुत बड़ी नाकामी देखते हैं, जहाँ इनकी सियासत ख़त्म हो जाती है, जहाँ इनको बर्बादी अपने लिए नज़र आती है, वहाँ से ये खान साहब और उनकी फैमिली को टारगेट करते हैं, वहाँ से ये जो अपना डीप फेक का धंधा है उसको चालू करते हैं और टोटा फैक्ट्री को ऑन करते हैं। तो मैं इनको बताती चलूं कि मेरे मुल्क की टेक्सटाइल बंद हो गई है, लेकिन जो चालू है वो तुम्हारी फैक्ट्रियां और तुम्हारी वीडियो ऑडियो सेंटर चालू है, चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, आवाम बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझती है, और मैं शुक्रगुजार हूं अपने पाकिस्तानी आवाम की, अपनी यूथ की। मैं सोशल मीडिया जितने भी यूज़र्स हैं जिन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया हमेशा, और इनको उससे बेहतर अच्छी, वो जो आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जो हम बात करते हैं, जिसकी वॉइस सैंपल मौजूद है, उसके ऊपर आप जो मर्ज़ी कंटेंट बना लें,
लिहाजा बहुत सारे हमारे साफी भाइयों ने, इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग में भी ये बात बताई। सो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जहाँ हमारे ऊपर, मेरे वतन अजीज़ की इकॉनमी के ऊपर, मेरे गरीब मजदूर को आटा लेते हुए मौत नसीब होती है, वहाँ पे ऑडियो वीडियो सेंटर ऑन हो जाता है। तो आपकी बत्ती आवाम बुझाएगी जब आप वोट मांगने जाओगे ना, और जब उनको 10 रुपए में रोटी मिलती थी और आज 25 में भी पैसों के एवज नहीं मिल रही, जब उनको 60-65 में फी किलो आटा मिलता था और आज आटे का रेट डबल करके, तो ये कहते हैं कि हमने इस कौम के ऊपर, मेरे दोस्त मुल्क ने ये कहा। और आज एक वो जो चेरी ब्लॉसम का बेटा, वो जो उसने फ्रस्ट्रेट होकर ट्वीट किया है, तो मैं उसको बताती चलूँ, सलमान दुनिया का सबसे बड़ा जोकर तेरा बाप है जो इस कौम के ऊपर मुसल्लत है, जिसके नाम के साथ वजीर आजम लगता है। ये हम 22,75,00,000 आवाम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। तुम्हारा बाप है और उसका नाम है शहबाज शरीफ। तुम्हारा ख़ानदान और तुम्हारी जो नस्ल है पिछली और अगली, तुम हमारे लिए बायस शर्मिंदगी हो, दुनिया के सबसे बड़े जोकर्स हो। नहीं यकीन, एक सर्वे करा लो। मैं ये अभी आपको ओपन इनविटेशन देती हूँ कि आप अपने अकाउंट से ये पूछो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जोकर और खित्ते का सबसे बड़ा जोकर कौन है, हाँ या ना। मैं ये पोल अपने ट्विटर अकाउंट से कराओ, अभी चालू कराओ, तो आवाम आपको बताएगी। ये बेशर्मों का टोला और बेरहम बेतरसों का टोला, इन्होंने हमारे मुल्क को बदहाल करके रख दिया है। और फिर इखलाकी गिरावट का शिकार ये टोला, जिनका ना अपना किरदार, ना इनका अपना कोई लेवल, इनकी ज़िंदगियों में क्या अचीवमेंट है। मैं पूछती हूँ बिलावल से, तुम्हारे नाम के साथ जरदारी भी हटा दे, भुट्टो भी हटा दे, तू क्या है बता, कोई अपनी ज़िंदगी की एक अचीवमेंट बता हराम के पैसे पे पलने के अलावा। मैं मरियम से पूछती हूँ, मरियम सफदर, तुम अपनी कोई अचीवमेंट तो बताओ आज तक आपने, छोड़ दो मुल्क को, आप मुझे बताओ अपने अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए और अपने लिए आज तक किया क्या है। छोटी सर्जरी भी कराई तो हमारे टैक्स के पैसों से कराई। अवाम आपसे एक एक जुल्म का बदला लेके रहेगी। आम इंतखाबात ही इस मुल्क के एक्चुअल सलूशन है, एक्चुअल हल है। लेकिन 70% पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, जिसको कोई भी नहीं रोक सकता। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी एक्ट अब करने की किसी में भी हिम्मत नहीं रही, बिकॉज जहाँ जहाँ हम श्रीलंका की एग्जाम्पल देते हैं, वहाँ पे छोटा सा मुल्क, छोटी सी आबादी, हमारे कराची शहर के बराबर की पॉपुलेशन, और आपको पता है कि IMF ने क्या शरायत लगाई है मेरे पाकिस्तानियों। हमारा फ़ख्र है हमारी पाक फ़ौज, जिस तरह का इंडिया हमारा हमसाया है। हम एक मजबूत फ़ौज के होते हुए ही अपना आज़ाद वजूद बरकरार रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ख़बर बताना चाहती हूँ कि श्रीलंका के अंदर IMF की जो शरायत हैं, वो ये हैं कि आप अपने आर्मी के जो खर्चे हैं वो कम करें और अपनी फ़ौज को आधा कर दें। सेम चीज़ उन्होंने इजिप्ट के ऊपर भी लागू की है। क्या पाकिस्तान, जिसके सामने बॉर्डर के लाहौर के परे बैठा हो इंडिया, क्या हम ये अफोर्ड करते हैं? हम ये अफोर्ड नहीं करते। हमारे खुददार पाकिस्तान के लिए हमारी आर्मी हमारी ज़रूरत है, लेकिन इन नाअकबत अंदेश टोले ने, और एक अहमकों के टोले, में ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है इनके लिए, एक नाअहलों और नालायकों के टोले ने, ये कौन से साइंसदान थे जिन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इस मुल्क के साथ क्या होगा। ऑन रिकॉर्ड है, जून के अंदर, 1 जून को खान साहब ने जो समी इब्राहिम को इंटरव्यू दिया था, उसमें इसका जिक्र है कि हमारे शौकत तरीन साहब, हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इनको आगाह किया था। वो जो सिग्नल के ऊपर खड़ा हुआ है मुंह चुप के, आपको आगाह किया था कि अगर इस वक्त इस मुल्क के साथ कोई तजर्बा किया गया, तो वो तजर्बा PTI पे भारी नहीं गुजरेगा, पाकिस्तान की 22,75,00,000 अवाम के ऊपर भारी गुजरेगा। और वो हुआ, आज हम सब फेस कर रहे हैं। लिहाजा इंशाल्लाह हम इनसे निजात पा के रहेंगे। ये जो PDM का टोला है, हम अपने वतन अजीज़ की हिफाजत भी करेंगे, हम अपने जो हमारे सरहदों के ऊपर खड़ा हुआ सोल्जर है, हम उसके साथ हैं, और वो हमारे ही तो बेटे हैं। वो कोई उगे तो नहीं है, वो कोई ये पीछे से तो कोई इदारे के अंदर वो बनते तो नहीं हैं, वो तो हम माएँ पैदा करके अपने बच्चे देती हैं वतन अजीज़ पे कुर्बान होने के लिए। लिहाजा हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं, और हमने मिलकर इस मुल्क को बचाना है। और आज मैं अपने लीडर को सलूट पेश करती हूँ, जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की उन्होंने बात की, ये बहुत बड़े दिल का और बहुत बड़ा लीडर ही ये बात कर सकता है।
जो जातियात से ऊपर का सोचता हो। आखिर में मैं इतना ही कहूँगी, ये कनीज़ों और ये जो चेरी ब्लॉसम का टोला है कि अब मुंह संभाल के बात करना। अगर जातियात की बात की तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि जो आपकी लीडर है सबके किरदार सबके सामने हैं। आप भूल जाओ कि बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें आप लोगों ने फेंकी थी। कोई इस पार्टी में कोई बेगैरत नहीं है, हम हलाल के पैसे पे पले हुए लोग हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम सेल्फ मेड लोग हैं। ये मेरा भाई जो खड़ा है, जो मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने अब कोई हरकत की तो हम आपको, आप तो हमारी डीफेक्ट बना रहे हो ना, हमारी लीडरशिप की आपकी असली मौजूद है, आपको वो हम दिखाएंगे भी बताएंगे भी, सबके किरदार किसी से छुपे हुए नहीं है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, नतज के ऊपर तो आपके इलम में है कि कभी इलेक्शन हो रहा है कभी इलेक्शन नहीं हो रहा, और अभी तरह जिस तरीके से वहाँ पर धांधली की गई है, जिस तरीके से वहाँ पर आपके इलम में है कि नतज को अभी तक रोक के रखा हुआ है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पीपल्स पार्टी तो जो है वो धांधली के अंदर इन्होंने पीएचडी की हुई है, और ये नामुमकिन है कि पीपल्स पार्टी किसी भी इलेक्शन के अंदर जो है वो धांधली के बगैर जो है वो जीत जाए। उस हवाले से जो है वो आपके सामने हकायक हैं, और ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन की जो बात है, जो इदारों की मैं अभी आज बात नहीं करना चाहता, मैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन की बात बार बार इस वजह से दोहरा रहा हूँ, ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन के ऊपर जो मजालिम हमारे ऊपर हुए हैं, लेकिन हम NRO 2 के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो करप्शन के केसेस हैं, जो इन्होंने अपनी चोरी माफ़ करवाई है, और जो मुल्क का 40 साल से डाके मार के लूट रहे हैं, उनको जो है वो किसी सूरत भी जो है वो माफ़ नहीं किया जाएगा। ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन का ये हिस्सा नहीं है। फारूक हबीब साहब, ये बताइए, एक सेकंड, फारूक हबीब साहब, ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन की आप बात कर रहे हैं या पाकिस्तान में बात कर रहे हैं बनाने की, आपका ख्याल है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बनेगा, उसमें लोग आएंगे, देखे वो इतना हाई पावर्ड होगा कि वो किसी को भी बुला सकेगा? देखे प्रैक्टिकली नहीं लग रही है आपकी बात। पाकिस्तान जो है ये बदला हुआ पाकिस्तान है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो प्रैक्टिकल नहीं लगती थी, लेकिन ये किसी ने ये भी सोच लिया था कि इमरान खान इक्तदार से बाहर निकलेंगे तो वो किस्सा माजी बन जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने कहा था कि मैं इक्तदार से बाहर निकलूंगा तो और ख़तरनाक हो जाऊंगा, और वो आपने देखा कि इनकी जो है वो दौड़े लगी हुई हैं, चीखें निकली हुई हैं, खौफ ज़दा हैं, कांपे टांग दी हैं, वो जो बिलावल वाली कांपे हैं वो कांपे टांग दी हैं इनकी। तो लिहाजा ये बदला हुआ पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को तस्लीम करें और रिकन्सिलेशन के जरिए आगे बढ़ा जाए, मुल्क को मजबूत करें और रूल ऑफ लॉ लेकर आए। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं वाजे करती चलूं, इसमें जो हमारे ऊपर जाती मुजालिम हुए हैं, सबसे बड़ा जो असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई खान साहब के ऊपर, हमारे ऊपर जो वैसे FIR और बाकी मुजालिम हुए, लेकिन जो करप्शन है, ये जो चोरी है, उसमें वी डोंट हैव एनी राइट कि हम इसको रिकन्सिलेशन के मद में लेके आए। ख्वाजा आसिफ ने क्लेम किया है कि नासिर खोसा साहब ने बात नहीं कर रही है, कि वो आपके जो दिया गया नाम था, नासिर खोसा साहब ने कहा कि मैं इस स्टेज से बाहर, इस बात में कितनी सच्चाई है? और दूसरा, ये जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन की बात आप कर रहे हैं, क्या ये रास्ता होगा PTI के वापस पार्लियामेंट में जाने का, या PTI पार्लियामेंट में जाने का तय कर चुकी है? नहीं, देखें, जो पार्लियामेंट में जाने का मामला है, वो मामला तो कल जारी बात है, हमारी मशावरती कमेटी की मीटिंग है, उसमें जो फैसला होगा सामने आ जाएगा। ये रास्ता है पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को बहाल करने का, ये रास्ता है पाकिस्तान के अंदर नए इंतखाबात का, और नए इंतखाबात के ज़रिए पाकिस्तान को दोबारा जो अदम इस्तेहकाम है, जो डूबती हुई मईशियत है, उससे बचाने का। तो लिहाजा इस वजह से हमने ये मुतालबा सामने रखा। नासिर खोसा के हवाले से जो है वो मेरे इलम में नहीं है, अगर कोई ऐसी बात होगी तो वो वाया कम्युनिकेट हो जाएगी गवर्नर के। अच्छा फरक भाई, एक बात बताएं कि आपने अभी जिक्र किया कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, इसका जिम्मेदार एक शख्स है जो रिटायर आप दुबई में कहीं इशारों पर नजर आता है, चौधरी परवेज लाही साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा की आप तहरीक इंसाफ पर बहुत एहसान आता है, उन्होंने इस मकाम पर इन्हों इकतदार में लेके आए,
क्या चौधरी परवेज लाही साहब गलत कहते हैं या वो एहसानात है तो जरा देखें उनके साथ हमारे बड़े सुन ले उनके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता। इसके ऊपर बड़ी बात हो चुकी है, ये उनके अपने व्यूज हैं, हमारे अपने व्यूज हैं। अभी आप देखें तो सही, इश्के इम्तिहान और भी हैं। अच्छा चौधरी शुजात साहब ने परवेज लाही साहब की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल की है, नोटिस जारी किया है, वजाहत मांगी है, क्या कहेंगे वो आपके साथ आ रहे हैं या के अकेले नोटिस भी गुजारा होगा? नहीं वो कहते हैं नोटिस में लिया कख ना लिया। एक घंटा बड़ी खबर